फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह की शुरुआत करते हैं गार्डन के साथ। तो मैं दिखाती हूँ आपको गार्डन। तो देखिए मेरे गार्डन में अभी कौन कौन से फूल आए हैं।
तो फ्रेंड्स अब मॉर्निंग का जो गार्डन का था सैर वो पूरी हो गई। अब मैं बनाने वाली हूँ देखिए छोला चाट। तो ये देखिए उसके लिए मैंने इसमें इमली भिगा दी पानी में, मिर्च लिए, हल्दी लिए, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और ऑनियन और काबुली चने और धनिया और स्प्रिंग ऑनियन। तो फ्रेंड्स अगर स्प्रिंग ऑनियन है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप बिना उसके भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने लिए एक कटोरी बॉयल मूंग दाल येलो वाली। तो मैं देखिए किस तरह बनाऊंगी, बिल्कुल अलग तरह से बनेंगी ये छोला चाट। तो देखिए और मैंने ये इमली का पानी निकाल लिया है, इससे मैं खट्टे के लिए मैं लेमन यूज़ नहीं करूंगी। और मैंने देखिए तेल गर्म हो गया है, मैंने लिया है सरसों ऑयल। तो सरसों ऑयल लिया मैंने 1 सर्विंग स्पून और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। तो मैं ऑनियन ये हल्के हल्के से ब्राउन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और मैंने एक चुटकी इसमें हींग लिए, हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। काबुली चने थोड़ा सा भारी हैवी होते हैं तो इसलिए हम हींग डालेंगे। और ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है ऑयल में ही, उससे देखिए कलर कितना अच्छा आ गया। ये मैंने गरम मसाला डाला है इसमें, ये मेरे घर का ही बनाया हुआ गरम मसाला है, तेज पत्ते, लौंग, काली मिर्च से, बड़ी इलायची से। ये देखिए अभी मैंने डाली है इसमें कश्मीरी मिर्च, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा छोलों का। तो फ्रेंड्स जो मैं बनाने वाली हूँ ये देखिए बिल्कुल नई रेसिपी है, अगर आप ट्राई करेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये देखिए जो मैंने मूंग दाल बॉईल कर दी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में मैंने लिया है ये मूंग दाल बॉईल, ये मैंने डाल दिया। ये लगभग 1 सर्विंग स्पून बॉईल मैश करके दाल मैंने यूज़ करी है। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको मसालों में मिला लूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स जो भी ये देखिए अब जो मैंने इमली का जो मैंने रस निकाला था वो भी मैंने इसमें मिला दिया। और जो भी हमने मसाला लिया है वो सब मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, सिर्फ नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, मसाला हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए इसमें वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। ये देखिए छोले, मैंने छोले बॉईल करे थे उस समय मैंने इसमें साबुत मसाले डाले थे, एक लौंग और काली मिर्च डाली थी। छोलों में बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है जो मैंने मसाले डाले थे। और ये देखिए मेरे छोले रेडी हैं, इनको हमने 5 मिनट ढक के रखा था सिम में। अभी उसके बाद देखिए ये बहुत ही टेस्टी, थोड़ी सी चुटकी मैंने चीनी डाली, जो खटास है इमली की उसके संग जो मिठास आएगी बहुत अच्छा लगेगा। और ये रेडी हो गए हैं छोले, तो अब हम इनको चाट की तरह भी खा सकते हैं, रोटी के संग खा सकते हैं। आपको मतलब अगर आप इसको ऐसे ही खाएंगे, देखिए मैंने चाट मसाला डाल दिया है और ऊपर से धनिया पत्ते डाल दिए तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये बिल्कुल काले नमक डाल दिया इसमें, रेडी है अभी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं तो इंजॉय करती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो एंजॉय करती हूँ छोले, आप भी एंजॉय कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।